हेलो गाइस सो लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग और मस्ट बी थिंकिंग कि यार माय कैट स्कोर इज़ लोअर देन एक्सपेक्टेड बिकॉज लोअर देन एक्सपेक्टेड बहुत ही रिलेटिव सा टर्म है आई वाज एक्सपेक्टिंग 99 बट आई गॉट 98 आई वाज एक्सपेक्टिंग 90 बट आई गॉट 85 आई वाज एक्सपेक्टिंग 95 एंड आई गॉट सेवेंटी कुड भी एनीथिंग राइट बहुत ही रिलेटिव सा टर्म है तो इसको एक सेगमेंटाइज uh, करके ब्रेक करने की कोशिश करते हैं इस पूरी लेक्चर में सो so, पर्टिनेंट जो क्वेश्चन अभी वो क्या है कि अब क्या करें ठीक है सो माई कैट स्कोर इज लो वट शुड आई डू नेक्स्ट बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पास्ट ईयर हैज बिन टफ ऑन एनी एवरी वन ठीक है पीपल हु आर लाइक स्टडिंग जो कॉलेज में जा रहे हैं या फिर जो लोग वर्किंग भी हैं देव टू वर्क फ्रॉम होम और घर पर भी झाड़ू लगाना पड़ रहा होगा ठीक है और यू नो जॉब भी करना है एट द सेम टाइम करोना uh, की वजह से यू you नो know, और भी अलग टेंशन सो so, और यू you नो know, uh, क्या नाम है आपका जो प्रॉपर uh, जो गाइडेंस ही होती है उस तरह का उस तरह की कमी या फिर कई चीज़ें ठीक है सो थोड़ा सा जो है इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे एक्सपेक्टेशन है उसको हम एक पर्टिकुलर बैंड्स में डालेंगे और विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट शुड बी आर नेक्स्ट स्टेप है ना तो इफ़ यू हैव एनी अदर यू नो क्वेरीज टू आस प्लीज डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन गेट टू द बॉटम ऑफ इट और तो हम लोग इंडिविजुअली एड्रेस करने की कोशिश करेंगे आई वुड ऑल्सो गिव यू माई टेलीग्राम आई दैट वुड बी ए बेटर वे टू कम्युनिकेट आप वहां पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर दी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो हम लोग आपस में मिलकर डिस्कस कर सकें

एंड एटी फाइव टू नाइन्टी जो बैंड है ना ये परसेंटाइल है मेरे कैट में ठीक है सो अगर आप 95 टू 95 टू 99 की रेंज में हैं तो कौन से कौन से कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हैं इस टाइम पे अगर आपको ए बी एल आई के नहीं मिला और इफ़ या लाइक सीरीज के अबाउट कि मुझे ए बी सी एल आई के ही चाहिए था आई वन टू गिव अन अदर अटैम्प्टैन ऑफकोर्स देन यू कैन टेक अ कॉल डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल ठीक है बट उसको प्रोफाइल को थोड़ी देर में बात करते हैं बट फिलहाल नाइन्टी टू नाइनटी टू नाइन्टी आप कौन से कौन से कॉलेजेस जो टारगेट कर सकते हैं ऑफकोर्स यहाँ पे आई आ गए है ना आपका एम डी आई गुड़गांव आ गया एंड देन देर इज आपका एस पी जैन आ गया एंड देन देर इज नीटी आ गया तो ये कुछ प्रोमिनेंट कॉलेज जब तो तो आप टारगेट कर सकते हैं अलॉन्ग विद्स ऑफ बी बी आई एम्स तो, तो जा ही रहे हैं क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा हुआ तब तो ये टारगेट हुआ ही होगा राइट नाउ जब आप 90 टू तो 95 की रेंज में आएंगे तो कौन से कौन से कॉलेजेस आप तो टारगेट कर सकते हैं जिसमें प्रोमिनेंट नाम आते हैं आई एम टी गाजियाबाद आई एम आई डेली फिर आता है आपका फोर्थ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट सो दीज आर दैट यू कैन टारगेट इफ यू है स्कोर फ्रॉम 90 टू 95 फाइव यहां पर भी, भी कुछ आई से जो इस रेंज में भी फॉल करते हैं इस रेंज में फॉल करने वाले आई टीजे की आई आई टी खड़गपुर हो गया आई कानपुर हो गया तो दीज आर दैट यू कैन टारगेट जो 90 टू 95 की रेंज में फॉल करेंगे अगर आपका स्कोर 85 फाइव टू नाइनटी है देन यू कैन लुक एट तापमी तापमी टी ए पाई ना टी ए टी ए पाई सो तापमी जो मैंगलोर में है ठीक है मणिपाल है ना मणिपाल में है एंड देन देन वी हैव है ना इंडियन इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट फॉरेस्ट मैनेजमेंट फिर आपका आता है बी आई एम ट्रिची है ना सो बी आई एम ट्रिची तो ये वाले कॉलेज आप टारगेट कर सकते हैं न मैंने इसके नीचे की रेंज मैंने बनाई नहीं है में रेंज बनाई नहीं है बिकॉज टू टेल यू फ्रेंकली अगर आपका परसेंटाइल इस एटी फाइव से नीचे है इस बार ना सो सीरियसली कंसिडर अनदर ईयर ऑफ कैट मतलब अनदर ईयर ऑफ कैट या फिर समथिंग एल्स ठीक है बिकॉज इफ यू वॉन्ट डू गुड इन कैट ना मतलब अगर आपको कैट करना है और अपने एम बी ए करना है ना और अपने लाइफ में अच्छा करना है तो एम बी ए करना है तो इट हैज टू बी डन फ्रॉम अ गुड कॉलेज एंड गुड कॉलेज या फिर डिसेंट कॉलेज देट यू गेट योर योर कट स्कोर हैज़ टू बी एटलीस्ट एटी फाइव प्लस अफकोर्स एम नॉट टॉकिंग बॉट दी अदर ऑप्शन देट यू कैन गिव की आप स्नैप दे सकते हो यू नो जैड दे सकते हो आई एफ टी दे सकते हो ऑफकोर्स वो तो है ही ऑफ कोर्स है ही दैट इज़ अ डिफरेंट आर्गूमेंट ऑल टुगेदर बट फिलहाल जो है मेरा फोकस ये कि अगर मैं कैट सेंट्रिक फोकस करूं कि कैट मेरा स्कोर ये है तो अगर आपका स्कोर 85 से नीचे है एटी फाइव परसेंटेज से नीचे है देन आई वुड सजेस्ट कि यू कैन सीरियसली थिंक अबाउट टेकिंग अनदर ईयर अगर आप मान लीजिए फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हैं तो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन की uh, अभी मतलब एक साल के बाद यू कैन टेक अ वर्क एक्सपीरियंस एंड देन यू कैन यू नो रीअपेयर फॉर द एग्जाम इन यू नो गेट इन टू अ गुड कॉलेज अदरवाइज अगर आप मान लीजिए डेढ़ साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस है वन ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है तो बी कैन थिंक ऑफ अनदर ईयर ठीक है बट अगर आपका जो है यू नो चार साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है देन आई वुड सजेस्ट की आर वेट फॉर अनदर ईयर एंड गो फॉर एक्जेक प्रोग्राम यू नो चार साल का एक्सपीरियंस लाने के बाद अगर आपके ए डी फाइव से नीचे परसेंटाइल आया है और फिर देन यू गेट इन टू एनी एक्साइजेड कॉलेज तब ना फिर ना आपका जो एक्सपीरियंस था आपका जो पूरा वर्क एक्सपीरियंस जो आपने इतना चार साल अपने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर इंडस्ट्री को दिया है ऑल गो वेस्ट ठीक है बिकॉज होगा ये कि आप 85 से नीचे अगर आप स्कोर लाते हो तो इवेंचुअली आपको दो साल के बाद अपना नौकरी डॉट कॉम आपको, आपको वेबसाइट पर आपको, वेब आपको जो है अपना रेज्यूमे अपडेट करना पड़ेगा दैट इज नॉट द वे राइट इट्स गुड बी सो मच डिप्रेसिंग क्योंकि अभी एक थोड़ी सी होप दिखती है राइट right? कि जब हम कैट देते हैं तो एक होप दिखती है कि बिकॉज दिस इज द लास्ट एजुकेशन दैट वी टू हैव इसके बाद हम लोग और कोई पढ़ाई नहीं करने वाले हैं हम लोग इसके बाद जो है हम सोचते हैं इसके बाद एक स्टेबल लाइफ है इसके बाद एक जॉब जो है सिनारी से, को सीरियसली लेना शुरू करेंगे चाहे आपने एक पढ़े ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट ग्रेजुएशन कर रहे हो आप सोचते हो कि चलो ठीक है एक्सपीरियंस हो जाएगा एम कर लेंगे देन बट एम के बाद की पढ़ाई थोड़ी सोचते हैं अगर मान लीजिए एम के बाद भी आपको नौकरी डॉट कॉम भी अप्लाई करना पड़ा फिर आप फिर फिर से क्या बैंकिंग एग्जाम दोगे ठीक है सो देन दैट दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इट ट्रस्ट मी इफ यू गेट अ कॉल फ्रॉम अ कॉलेज विच इज ऑफरिंग यू एडमिशन एट अ पर्सन एल विच इज लेस देन 85 फाइव थिंक अबाउट इट हम टॉक्यूमेंट ऑफकोर्स जनरल कैटेगरी तो उसके नीचे जो है आप नहीं जाएंगे जो जो भी कॉलेज आपको ए टी फाइव से नीचे कॉल कर रहा है दैट इज नॉट वर्क गुइंग एट दिस स्टेज राइट सो सीरियसली थिंक अबाउट टेकिंग एडमिशंस और टारगेटिंग नेक्स्ट ईयर कैट बट नॉट दिस ईयर ठीक है मतलब इस साल जो है आपको ए टी फाइव से नीचे जो है ऑप्शन में नहीं जाना है ठीक है तो ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास जो अगर आप इनके इनमें फॉल कर रहे हो और गाइस बहुत ही रिलेटिव सा टर्म होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई बहुत अच्छे ऑप्शन है एम डी आई गुड़गांव बहुत अच्छा ऑप्शन है एस जैन बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, अच्छा है बट जो लोग इस रेंज में फॉल करते हैं वो कहते हैं नहीं सर ए ही जाना है देन आई वुड से वज ऑफकोर्स इट टेक अन अदर ईयर बट मैं कह रहा था कि अगर ये वाले ऑप्शन में आप इफ ए फाइन विद्शन दैट यू कैन टारगेट विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज ऑफ परसेंटेज ठीक है सो नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव में ये वाले रेंज है फिर हैपी विदकोस बिकॉज ये कॉलेजेस ऑफकोर्स आर वेरी गुड कॉलेज दैट नॉट मी नो बैड कॉलेज जैसे मैंने आपको शुरू से कहा कि जो भी आपको एटी फाइव प्लस पे कॉल दे रहा देना दो डिसेंट कॉलेज दो ऑफरिंग यू डिसेंट प्रोफाइल्स एंड डिसेंट सैलरीज ऑल्सो ठीक है बट इसके नीचे तो आपको फिर यू नो फिर वही स्ट्रगल है जो अपने एम बी ए करने से पहले आप सोच रहे थे कि यू आर होपिंग कि स्ट्रगल ना करनी पड़े बिकॉज डोंट लुक एट एम बी ए from the perspective of you know just gaining another degree it has to be a, a degree which actually you uh, know uh, gives you a cross functional as well as cross uh, bolte hai, cross industry mobility ठीक है सो so, आपको जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यू you नो know, एक पटी आप मान लीजिए एक कंप्यूटर इंजीनियर हो और आपने एक आई टी कंपनी में काम करते हो यू डोंट होप टू यू नो वर्क देर फॉर अनदर फाइव फाइव सिक्स ईयर्स आप जो मार्केटिंग करना चाहते हो आप किसी फार्मा कंपनी में मार्केटिंग करना चाहते हो या फिर एक एफ एम सी जी कंपनी में मार्केटिंग करना चाहते हो देन एम बी ए वुड गिव यू दैट यू नो दैट मोबिलिटी एंड एम बी ए वुड प्रोवाइड यू दैट मोबिलिटी राइट सो वो मोबिलिटी के लिए It, you have to go to a good college only a good college can provide you that so trust me uh, if you get a call from uh, from a college which is offering you a, you know mba which is uh, lesser than 85 don't go at this stage uh, wait another year get a good uh, get, get a good score and get it in the college guys i have i have um, been you know posting videos on what other colleges that you can target apart from iims jo bahut profiles and a very lesser salary do check out those videos as well ठीक है एंड डू कॉन्टैक्ट मी दिस इज माई टेलीग्राम आई डी एंड वी मीट एवरी डे ऑन यूट्यूब फ्रॉम मॉर्निंग एट ए एम टू नाइन ए एम एंड इवनिंग में एट पी एम टू नाइन पी एम इफ यूर इंटरस्टेड इन प्लस बैचेस फॉर कैट ट्वेंटी ट्वेंटी वन यूज द कोड डीजे टेन टू अवेल इंस्टेंट टेन परसेंट ऑफ वैन यू एनरोल फॉर द प्लस बैचेस ओके गाइस सो एनी एनी क्वेश्चन प्लीज डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन और यू कैन कॉन्टेट मी ऑन द टेलीग्राम आई डी ठीक है इस आई विल वेट फॉर यू क्वेश्चन थैंक यू सो मच